Assalamu alaikum, hope you guys are doing great. Today I'm going to talk about hashtag BLM, Black Lives Matter. Since everyone on internet is talking about Black Lives Matter, so I thought I should also give my 2 cents. And well, to be honest, I just want to highlight the hypocrisy of us Pakistanis, Indian, Sri Lankans, overall Asians, we all are racist. जहाँ पे भी देखो सिर्फ इंटरनेट पे ब्लैक लाइव्स मैटर आपको दिखाई दे रहा है. हमारे एक्टर्स, हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, स्टार्स, सब बस यही बात कर रहे हैं. वेल, टू बी ऑनेस्ट, एवरीवन इज जस्ट राइडिंग द वेव. हम एशियंस, वी आर वर्स्ट काइंड ऑफ रेसिस, बिकॉज व्हाई? बिकॉज वी डोंट नो वी आर रेसिस. रेसिज्म हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुकी है. लेट मी इलस्ट्रेट फॉर यू. हम वाइटनिंग क्रीम्स कंज्यूम करते हैं सो दैट वी डोंट लुक ब्लैक, और हमारे स्टार्स दे आर प्रमोटिंग दिस शेड, और एट द सेम टाइम दे आर प्रोटेस्टिंग. कैन यू सी द आयरनी इन दिस? इफ समवन इन आवर फैमिलीज आर ऑफ डार्क स्किन, वी ब्रांड देम एज अ जोक, और उसको मुख्तलिफ निकनेम देते हैं, काले काली काली. टू बी ऑनेस्ट, एट सम पॉइंट वी इवन फॉरगेट द रियल नेम. हमारे थिएटर्स, कॉमनली नोन एज स्टेज शोज इन पाकिस्तान, हम करते क्या हैं, हम वी कास्ट अ डार्क स्किन पर्सन, ठीक है, जस्ट टू मेक फन ऑफ हिम. और मेजर पार्ट शो का बस इसी के रिवॉल्व करता है. वी कैप थ्रोइंग इंसल्ट्स एट हिम जस्ट टू मेक पीपल लाफ, और यही बस फिलॉसफी है उस पूरे शो की. ऐसा बॉलीवुड मूवीज़ में भी देखा जाता है. इवन एक तो बॉलीवुड की मूवी, एक दो मूवीज़ का नाम भी है कालिए, समथिंग लाइक दिस. एंड द बिग न्यूज़, महात्मा गांधी, द सेंटेस्ट ऑफ सेंट, भी रेसिस्ट थे. इन 1983 गांधी रोड टू द नेटल पार्लियामेंट सेइंग दैट जनरल बिलीफ सीम्स टू प्रिवेल इन द कॉलोनी दैट इंडियंस आर लिटिल बेटर इफ एट ऑल द सेवजेस ऑफ द नेटिव्स ऑफ अफ्रीका. मीन्स क्लियर रेसिज्म. सिर्फ ये एक बयान नहीं है उनका, उनके और भी काफ़ी ज़्यादा रेसिज्म में बयान है. और विद इन द इंडिया दे प्रमोट द कास्ट कल्चर. खैर, अब कुछ मजीद ग्राउंड रियलिटीज़ पे आते हैं. हमारे घरों में वी डोंट वांट अवर सन्स टू मैरी अ गर्ल विद डार्क कम्प्लेक्शन. हम सबको गोरी बहू चाहिए. क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, ये नहीं पता, बस चाहिए सबको गोरी बहू. हाँ, अगर कोई गोरी बहू कुछ एडिशनल फीचर्स के साथ आ रही है फिर तो बात ठीक भी है, लाइक additional RAM, additional ROM, enhanced AI, but nahin, unfortunately that's not the case. Even yahan pe Arab country, I'm in the Arab, even in the Arab countries, whenever they see a black man, they presume he's a thief. Black man jab bhi samne aayega ya uski koi bhi zikr hoga, black kull nafar harami, kull nafar harami, wala iyar nafar. Iska matlab ye hai ki all black men are thief. अब जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में ये चीज़ बयान कर दी है, किसी अरबी को किसी अजमी पे, किसी अजमी को किसी अरबी पे, किसी काले को किसी गोरे पे, किसी गोरे को किसी काले पे कोई फोकियत हासिल नहीं है, तो आई थिंक यहाँ पे आके बात ख़त्म हो जाती है. हदीस में जब ये चीज़ आ चुकी है कि हम सब बराबर हैं, तो फिर हम डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हैं? So I think बेहतर हमारे लिए यही होगा, instead of protesting, what we actually need to do is to examine our own conscious. अपने आप को जब तक दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं होना. जितनी मर्जी ब्लैक डीपी लगा लो, कुछ फ़ायदा नहीं होना. चेंज स्टार्ट विद इन योर सेल्फ. एनी हाउ, दैट्स ऑल फ्रॉम मी. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी. अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़.